हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंसियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने पैरोटिड ग्लैंड को स्टार्ट किया था और उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी उसके कैप्सूल के बारे में। कुछ इस तरह का हमने पैरोटिड ग्लैंड की बात की थी। चार सरफेस बताए थे, सुपरफिशियल सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ और एक एंटेरोमीडियल आगे, पोस्टेरोमीडियल पीछे। तीन बॉर्डर बताए थे, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और एक मीडियल या फिर फेरिंजियल बॉर्डर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड की। उससे पहले हम इस डायग्राम से सारे रिलेशंस पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, ये पूरा ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मतलब अगर मैं ये वाला सर्फेस आप देख रहे हो इस डायग्राम में, आपको ये वाला सर्फेस दिखाई दे रहा है। ऊपर जो ये प्रेजेंट है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, मैंने बोला था ना एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है पैरोटिड। ये कुछ इस तरह आप देख रहे हो, ये जो आपको सर्फेस दिख रहा है ये सेम ये वाला सर्फेस दिखाई दे रहा है। मतलब ये हमें सुपरफिशियल सर्फेस ऑफ द पैरोटिड दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको अंदर चल के देखें या आगे सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप इसकी दिखाई देगी। अगर हम सुपरफिशियल सरफेस को देखते हुए यहाँ पे बात करें तो मैंने बोला था नीचे की तरफ एपेक्स है, नीचे की तरफ ये एपेक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से दो वेन्स जा रही हैं। एक तो देखो पीछे से आ रही है कौन सी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और एक ये इधर से क्या, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर और ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो मिल रही है पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ और बना रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और एंटीरियर डिवीजन जो है वो आगे जाके क्या बना रही है, कॉमन फेशियल वेन, किसके साथ मिलके, फेशियल वेन के साथ जुड़ के। तो ये फेशियल वेन यहाँ पे रेट्रोमैंडिबुलर वेन में ड्रेन करे। क्यों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये एपेक्स ऑफ द पैरोटिड है। एपेक्स ऑफ पैरोटिड रिलेटेड है किससे, रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दोनों डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन से भी। उसके अलावा एपेक्स से ये जो नर्व आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे, ये है हमारी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की हमारे पास टोटल पांच ब्रांचेस होने वाली हैं, उसमें से एक होती है सर्वाइकल ब्रांच, और ये सर्वाइकल ब्रांच जो है फेशियल नर्व की वो एपेक्स के यहाँ से निकलती है बाहर की तरफ। तो एपेक्स के दो रिलेशन हमने बात की, एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दोनों डिविजन्स और दूसरा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अब अगर आप देखोगे ये आगे की तरफ जो ये सर्फेस दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सर्फेस है, एंटीरियर सर्फेस, ये देखो कुछ इस तरह आप देख रहे हो। और ये वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर सरफेस, और ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर बॉर्डर है, पीछे ये कौन सा बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एंटीरियर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, एपेक्स और सुपरफिशियल सर्फेस, यही चीजें इस डायग्राम में हमें देखो मिलती है पैरोटिड की। एंटीरियर बॉर्डर से अगर आप देखोगे तो ये देखो सारी ब्रांचेज जो हमने येलो कलर से दिखा रखी है ना, सारी किसकी ब्रांचेज है, फेशियल नर्व की, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, अपर बक्कल एंड लोअर बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल, ये सब किसकी ब्रांचेज है, फेशियल नर्व की ब्रांचेज है। तो फेशियल नर्व पीछे से एंटर करती है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, पोस्टेरोमीडियल सर्फेस से फेशियल नर्व एंटर करती है पैरोटिड में, और उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर से उसकी पांच ब्रांचेज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एंटीरियर बॉर्डर से बाहर की तरफ निकलती हैं। किसकी ब्रांचेज, फेशियल नर्व की ब्रांचेज। उसके अलावा एंटीरियर बॉर्डर पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, ये देखो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी दिखाई देगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आती है नीचे से और उसकी एक ब्रांच निकलती है ट्रांसवर्स फेशियल, और ऊपर की तरफ सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो ट्रांसवर्स फेशियल ये हमें देखने को मिलगी। उसके अलावा ये जो इसके साथ साथ एक वेन जाती है उसका नाम भी क्या होता है, ट्रांसवर्स फेशियल वेन, जो किसमें ड्रेन करेगी, आगे जाके रेट्रोमैंडिबुलर वेन के अंदर ड्रेन करेगी। तो ये तो हमने बात कर ली इसके एंटीरियर सरफेस की। तो एंटीरियर सरफेस पे क्या क्या मिला, ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व मिली, उसके अलावा ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स मिली एंटीरियर बॉर्डर पे। पोस्टीरियर बॉर्डर से आपको क्या मिलेगा देखने को, पोस्टीरियर ओरिकुलर नर्व देखो आपको देखने को मिल रही है, उसके अलावा पोस्टीरियर ओरिकुलर आर्टरी भी यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर बॉर्डर के पास। ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर कौन सा सरफेस होगा, अगर हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, मैंने बोला ऊपर इधर कौन सा सरफेस होगा, तो ये सुपीरियर सरफेस होगा पैरोटिड ग्लैंड का। तो सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में आती हैं ऊपर वाली चीजें। ऊपर ये कौन कौन सी चीजें, ये देखो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी, एक तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, मतलब आर्टरी भी और वेन भी। तो ये तीन चीजें होंगी, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये सुपरफिशियल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, तो ये सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में आ रही है। एंटीरियर बॉर्डर की मैंने बात करी यहाँ पे, उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर से आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं इनके रिलेशंस की यहाँ पे। तो मैंने एपेक्स में क्या बताया,
एपेक्स से दो स्ट्रक्चर्स इमर्ज करते हैं एपेक्स से, कौन कौन से बताए थे मैंने, एक सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और एक दो डिविजन्स थी रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, हमने बात कर ली। उसके अलावा एपेक्स जो है ओवरलैप करती है पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को, एपेक्स ओवरलैप करती है पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को और कैरोटिड ट्रायंगल का थोड़ा बहुत पार्ट जो यहाँ पे आता है उसको, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलें सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस में, तो सुपीरियर सरफेस मतलब ये वाला सरफेस हम देख रहे हैं, तो सुपीरियर सरफेस में जो ऊपर वाली चीजें मैंने आपको दिखाई थी ना, सुपीरियर सरफेस में ये वाली तीन चीजें मैंने आपको बताई थी जो ऊपर की तरफ दिख रही थी, तो यही चीजें यहाँ पे आएंगी। कौन कौन सी तीन चीजें थी, एक थी ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है ट्राइजेमाइनल नर्व की, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमाइनल की ब्रांच है, तो ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो सुपीरियर सरफेस की हम बात कर रहे थे, ये सुपीरियर सरफेस है, इसके रिलेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व मैंने बताया किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व की, मैंडिबुलर नर्व किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमाइनल नर्व की। उसके अलावा आता है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स जो मैंने डायग्राम में दिखाया था, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। उसके अलावा आता है, एक चीज याद रखनी है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टीएम जॉइंट मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ पैरोटिड के रिलेशन में आता है। उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, यहाँ पे कैनाल जाती है ईयर की, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस ऊपर से इसके, तो वो उसका कौन सा पार्ट रिलेशन में आएगा सुपीरियर सरफेस के, वो है कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस। एक्सटर्नल जो अकाउस्टिक मेटस या फिर ऑडिटरी मेटस है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बोनी पार्ट और एक कार्टिलेजिनस पार्ट। बाहर की तरफ कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, अंदर बोनी पार्ट होता है, तो कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है ना इसका, वो रिलेशन में आता है सुपीरियर सरफेस के, और इसको हम बेस ऑफ द पैरोटिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे एपेक्स है ना, तो ऊपर की तरफ बेस ही होगा, सुपीरियर सरफेस को बेस ऑफ द पैरोटिड भी हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सुपरफिशियल सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस जो हमें दिखाई देता है स्किन के जस्ट अंडर जो सरफेस प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट होगा, इस किस किस चीज से कवर होगा ये सरफेस। सबसे बाहर से चलते हैं अंदर की तरफ, तो सबसे पहले आएगी स्किन, फिर आएगा सुपरफिशियल फेशिया, ये तो हर जगह ही आता है, बाहर से अंदर जाते हैं तो स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है। उसके बाद क्या था, पैरोटिड फेशिया, पैरोटिड का जो सुपरफिशियल लेमिना था उसको क्या बोलते थे, पैरोटिड फेशिया, तो वो सुपरफिशियल फेशिया के जस्ट नीचे वो आएगा। और उसके बाद क्या है, कुछ डीप लिम्फ नोड्स जो है वो भी एम्बेडेड होते हैं ग्लैंड के अंदर। तो ये देखो, हमने पिछली वीडियो में ये वाला डायग्राम आपको दिखाया था ना, तो ये हम बाहर से अंदर जाएं तो सबसे बाहर ये स्किन है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, सुपरफिशियल फेशिया, इसमें कुछ देखो लिम्फ नोड यहाँ पे भी प्रेजेंट है। उसके बाद अंदर जाएंगे तो ये देखो क्या प्रेजेंट है, ये वाला पैरोटिड फेशिया, ये वाला ग्रीन कलर में, उसके बाद तो हमारा पैरोटिड आ ही जाता है, तो ये वाला सुपरफिशियल सर्फेस था हमारा पैरोटिड ग्लैंड का। अब एंटेरोमीडियल सर्फेस और पोस्टेरोमीडियल सर्फेस को समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम की मदद लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा पैरोटिड है उसके वो किस किस के बीच में लाई करता है, आगे की तरफ रैमस है ऑफ मैंडिबल है, पीछे मेस्ट्रोइड प्रोसेस है। रैमस पे दो मसल थी, मीडियल साइड मीडियल टेरिगोइड और लेटरल साइड पे मैसेटर मसल, जबकि जो हमारा मेस्ट्रोइड प्रोसेस था उस पे मीडियल साइड में पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक थी और लेटरल साइड में स्टर्नोक्रिडोमेस्ट्रोइड थी, ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब एक और जो प्रोसेस है, देखो स्टाइलोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है मीडियली, अगर हम देखें तो ये आगे की तरफ ये वाला पार्ट है एंटीरियर, क्योंकि देखो रैमस ऑफ मैंडिबल इधर प्रेजेंट है, पीछे की तरफ ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ये हो गया लेटरल पार्ट और ये हो गया हमारा मीडियल पार्ट, तो ये वाला लेटरल पार्ट है, ये वाला इधर मीडियल है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, कट सेक्शन है, मतलब ये हमारा पैरोटिड था, इसको मैंने यूं काटा है, या फिर आप बोल सकते हो ऊपर से देखें तो मैंने इसको यूं कट किया है इस तरह से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हमें देखने को मिल रहा है इसका जो ये वाला सरफेस है, ये कौन सा, जो ये वाला सरफेस है ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस है और ये वाला सरफेस एंटेरोमीडियल है। देखो अगर मैं इसको इस तरह से काटूंगा तो पीछे पोस्टेरोमीडियल सरफेस है और आगे एंटेरोमीडियल, तो ये वाला जो सरफेस होगा इस तरह से, ये पूरा ये एंटेरोमीडियल सरफेस और पीछे की तरफ पोस्टेरोमीडियल सरफेस, ये वाला कौन सा होगा सुपरफिशियल सरफेस, ये आगे की तरफ बॉर्डर कौन सा होगा एंटीरियर बॉर्डर, पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर। देखो इस डायग्राम में ये आगे की तरफ, देखो आगे रैमस है तो ये एंटीरियर साइड, तो ये एंटेरोमीडियल सरफेस, ये पीछे पोस्टेरोमीडियल सरफेस, आगे एंटीरियर बॉर्डर पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सुपरफिशियल सरफेस हो गया, ये एंटेरोमीडियल सरफेस, ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस और ये वाला मीडियल बॉर्डर या फिर मीडियल एज जिसको बोल सकते हैं।
तो इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा रिलेशन ऑफ द, सबसे पहले हम देखते हैं एंटेरो मीडियल सर्फेस, ये वाला सर्फेस एंटेरो मीडियल सर्फेस है। इसके रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, रेमस ऑफ मैंडिबल, मीडियल टेरिगोइड एंड मैसेटर, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह पोस्टेरो मीडियल सर्फेस के रिलेशन में क्या आएगा, मैस्टोइड प्रोसेस, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड स्टर्नोक्लिडोमैस्टोइड। उसके अलावा एंटेरो मीडियल की बात करें तो एंटेरो मीडियल में स्टाइलोइड प्रोसेस भी आता है, और मीडियल बिल्कुल इस बार बाद में करते, पहले ये देखते हैं एंटेरो मीडियल में मैंने आपको क्या दिखाया, एंटेरो मीडियल में रेमस, मैसेटर एंड मीडियल टेरिगोइड। तो क्या क्या आएगा, मैसेटर मसल, उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल एंड मीडियल टेरिगोइड, ये चीज मैंने दिखाई थी। एक चीज आती है टीएम जॉइंट का लेटरल सर्फेस, टीएम जॉइंट का पोस्टीरियर सर्फेस कहाँ रिलेशन में आया था, सुपीरियर सर्फेस ऑफ पैरोटिड के रिलेशन में आया था, और टीएम जॉइंट का लेटरल सर्फेस आएगा एंटेरो मीडियल सर्फेस के रिलेशन में। उसके अलावा यहाँ पे क्या आता है, इमर्जिंग ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व भी रिलेशन में आती है, ठीक है, फेशियल नर्व की जो इमर्जिंग ब्रांचेज है वो भी रिलेशन में आती है एंटेरो मीडियल सर्फेस के। पोस्टेरो मीडियल में क्या देखा हमने, मैस्टोइड प्रोसेस विद स्टर्नोक्लिडोमैस्टोइड एंड पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये तो हमने डायग्राम में देखा। उसके अलावा मैंने क्या दिखाया था, स्टाइलोइड प्रोसेस एक दिखाया, उस पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, कुछ मसल्स हैं जैसे स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरिंजियस, ये तीन मसल्स अटैच होती हैं स्टाइलोइड प्रोसेस पे। तो स्टाइलोइड प्रोसेस और उसके जो स्ट्रक्चर्स अटैच हैं वो भी रिलेशन में आते हैं पोस्टेरो मीडियल सर्फेस पे। एंटेरो मीडियल पे सिर्फ ये चीज आएंगी, पोस्टेरो मीडियल पे ये वाली चीज भी आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी, मतलब ये भी तीनों चीज और स्टाइलोइड प्रोसेस भी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व एंटर करती हैं इसी सरफेस के थ्रू, जो ये पोस्टेरो मीडियल सरफेस है ना, इसके थ्रू यहाँ पे एंटर करती हैं पीछे से फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और फेशियल नर्व की ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, फिर आगे एंटीरियर बॉर्डर से निकलती हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पोस्टेरो मीडियल सरफेस की, अब चलते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है एंटीरियर बॉर्डर, देखो ये सुपरफिशियल सरफेस था, ये वाला हमारा एंटीरियर बॉर्डर है। किस किस को अलग कर रहा है, सुपरफिशियल सरफेस को एंटेरो मीडियल सरफेस से अलग कर रहा है, तो सेपरेट सुपरफिशियल सरफेस एंड एंटेरो मीडियल सरफेस, ठीक है। कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, ऊपर क्या है सुपीरियर सरफेस का एंटीरियर पार्ट और नीचे क्या है एपेक्स ऑफ द पैरोटिड, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस से लेके एपेक्स तक एक्सटेंड करता है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहां से इमर्ज आउट होते हैं, एक तो मैंने डायग्राम देखो, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था ना, ये एंटीरियर बॉर्डर था, एंटीरियर बॉर्डर से कौन कौन सी चीजें निकल रही थी, ये देखो फेशियल नर्व की इमर्जिंग ब्रांचेस थी सारी। तो एक तो निकलता है क्या, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, उसके अलावा ये जो आपको दिख रही थी ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, ये भी तो एंटीरियर बॉर्डर से ही तो निकल रही है, तो ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स। उसके अलावा ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड डक्ट भी एंटीरियर बॉर्डर से ही निकलती है। तो ये तीन चीजें निकलती है एंटीरियर बॉर्डर से, कौन कौन सी, PTT, टी से पैरोटिड डक्ट, टी से टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, और एक और टी से ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, ये तीन चीजें एंटीरियर बॉर्डर से निकलती हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर की अब हम बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो किसको अलग कर रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर था, ये पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, ये किसको अलग कर रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपरफिशियल सर्फेस को पोस्टेरो मीडियल सर्फेस से। तो सुपरफिशियल सर्फेस को पोस्टेरो मीडियल सर्फेस से अलग करता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये ओवरलैप करता है स्टर्नोक्लिडोमैस्टोइड को, पीछे की तरफ स्टर्नोक्लिडोमैस्टोइड भी तो होती है ना, तो ये उसको ओवरलैप करता है। अब बात करें एक और बॉर्डर बच गया, कौन सा, ये देखो ये वाला बॉर्डर मीडियल साइड में, ये मीडियल बॉर्डर या फेरिंजियल बॉर्डर इसको बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये सेपरेट करता है किसको, एंटेरो मीडियल को पोस्टेरो मीडियल सर्फेस से अलग करता है मीडियल या फेरिंजियल बॉर्डर, एंटेरो मीडियल को पोस्टेरो मीडियल से अलग करता है, रिलेटेड है लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स से। देखो इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रही है ना, ये वॉल ऑफ फेरिंग्स है, लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स, तो ये मीडियल बॉर्डर के रिलेशन में आती है वॉल ऑफ द फेरिंग्स। जनरली ना ये पूरा मीडियल बॉर्डर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मीडियल एज या मीडियल बॉर्डर, ये वाला जो पार्ट है ना ये मीडियल एज है, इसलिए इसके रिलेशन में ये आता है वॉल ऑफ द फेरिंग्स। मैंने इस वीडियो में कई जगह बॉर्डर को सरफेस बोला है, तो थोड़ा ध्यान देना है, एंटीरियर बॉर्डर को मैंने कई बार एंटीरियर सरफेस बोला है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, वो बॉर्डर ही है, मैंने गलती से उसको सरफेस बोल दिया है शायद कई जगह पे। तो ये हमने बात कर ली तीनों बॉर्डर्स की, अब ये हमारा इस तरह से रिलेशंस जो है इसके खत्म हो गए। फिर से एक बार रिलेशन बताऊं तो ये एंटेरो मीडियल सरफेस है, इसके रिलेशन में आ रहा है रेमस ऑफ मैंडिबल, मैसेटर बोन एंड मीडियल टेरिगोइड,
पीछे की तरफ ये मेस्टोइड प्रोसेस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये पोस्टेरोमीडियल सर्फेस है, ये सुपरफिशियल सर्फेस है, ऊपर दिख नहीं रहा वो सुपीरियर सर्फेस है, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि कट सेक्शन हमने लिया हुआ है। उसके अलावा ये आपको देखो पीछे से फेशियल नर्व आती दिख रही है, कहाँ से एंटर कर रही है, पोस्टेरोमीडियल सर्फेस से एंटर कर रही है और इमर्ज हो रही है उसकी ब्रांचेस कहाँ से, ये एंटीरियर बॉर्डर है। यहाँ पे अगर सीधा मैं इसको खड़ा करूंगा तो यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर आएगा पैरोटिड का, कुछ इस तरह से हमने इस तरह से इसको लिया हुआ है, तो ये आगे वाला एंटीरियर बॉर्डर आएगा पैरोटिड का, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे वाले पार्ट की, मतलब कौन कौन स्ट्रक्चर इसके अंदर लाए करते हैं, और उसके बाद हम पैरोटिड डक्ट की बात करेंगे। थैंक यू।